Welcome back, and today we'll discuss there are some unique problems in some professions and why they're not going for this pathology business. Let us discuss it in detail. There are problems which are unique to the doctors. So doctors या clinic या जो hospital अभी चला रहे हैं जहाँ पे lab नहीं होती है, तो that can be a major loss of revenue and loss of patient. जैसे ही patient दूसरी जगह जाते हैं lab report कराने, तो mostly means बहुत सारे patient हैं तो divert भी हो सकते हैं. Second is no control over staff behavior, finances. जो दूसरे अपने outsourcing partners हैं, वहाँ पे patient को कैसे behave, patient के साथ कैसा behave हो रहा है या कितना revenue है, कितना आपसे share कर रहे हैं, उन सब की clarity भी बहुत सारी नहीं होती है. Third point is the pathology is very important source of the revenue, and by outsourcing it, you are giving up extra margin as well as the control of the quality. भले पैथोलॉजी बिजनेस वो पूरे आपके हेल्थ केयर स्पेंडिंग में पेशेंट के जो आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग है उसका सिर्फ 5%, लेकिन 95% जो रेस्ट ऑफ द कॉस्ट है उसको डायरेक्ट इंपैक्ट करता है. जिस पेशेंट का डिफरेंशियल डायग्नोसिस पैथोलॉजी से ही होता है और आपकी ट्रीटमेंट प्लान पैथोलॉजी से ही डिसाइड होता है. तो अगर आप खुद इन हाउस नहीं कर रहे हैं तो आप वो मेजर रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं. एंड फोर्थ पॉइंट इज द पेशेंट एक्सपीरियंस मैटर. आज आप आपके पेशेंट को कहीं पे भी भेजते हैं तो अगर वहां पे आप उसके साथ कुछ गलत उसके साथ कुछ मिस ट्रीटमेंट या कुछ उसका सर्विस में सर्विस क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो उसका सीधा इंपैक्ट वो आपके ब्रांड वैल्यू पे भी पड़ेगा. तो रादर देन आउटसोर्सिंग इट, हम एडवाइस करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल या क्लिनिक या डॉक्टर्स हैं जिनके पास अच्छा खासा पेशेंट लोड है, वो अपने इन हाउस एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी स्टार्ट कर सकते हैं. So if you are having your own hospital, I think you should have your own lab. That is the message. Yes, sir. Thank you. See you in the next video.